दोस्तों नमस्कार। आज 10 अक्टूबर सन 2022 हम चर्चा करेंगे ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च के ऊपर। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। पिछले महीने केरल में अधिक बरसात एवं बाढ़ से काली मिर्च की उत्पादन में प्रभावित हो चुका हुआ है और इसकी फसल को नुकसान के भी समाचार हैं, जिसके चलते उत्तर भारत के जो भाव हैं वो अब कभी भी तेज़ी दिखा सकते हैं। भाव अब तक निचले स्तर पर आ चुके हैं और दूसरी ओर वियतनाम से भी काफ़ी कम माल आएगा। इन परिस्थितियों को देखते हुए बाज़ार में कभी भी काली मिर्च यानी ब्लैक पेपर में तेज़ी की संभावनाएं बन सकती है। पिछले महीने केरल में ज़बरदस्त बरसात होने से बाढ़ की स्थिति बन गई थी, जिससे काली मिर्च की फसल पूरे राज्य में 27% नुकसान होने का अंदेशा है, जिसको देखकर वहां के व्यापारी घटाकर माल बेचने में अब पीछे हट रहे हैं। दूसरी ओर वियतनाम से सस्ते भाव पर हेराफेरी के आने वाली काली मिर्च सरकार की सख्ती के से कम आ रही है। यह भी मानना पड़ेगा कि अभी मंडियों में प्रचुर मात्रा में माल है तथा लेकिन ग्राहक की ज़्यादा नहीं है, जिससे बाज़ार 10 दिन के अंतराल के अंदर काफ़ी सुस्त भी थे। लेकिन अब इस ये भाव काली मिर्च के लगभग निचला स्तर माना जा सकता है, बॉटम फिशिंग मानी जा सकती है। काली मिर्च लगभग 540 से 570 रुपए के बीच बिक रही है और दूसरी ओर कोचीन के अंदर भी माल सस्ता नहीं है, जिससे वहां माल नहीं आ पा रहा है। अतः बाज़ार में आने वाले 1 से 1.5 महीने में अच्छी तेज़ी की संभावनाएं बन सकती है। अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में भी काली मिर्च के भाव ऊँचे हो रहे हैं, जिससे अब नए सौदे इम्पोर्टर कम कर रहे हैं। इन परिस्थितियों में केरल की काली मिर्च एक अच्छी तेज़ी बनने की धारणा हम बन सकती है। गौरतलब है कि पिछले लगभग 2 सालों में घाटे के चलते कारोबारी अपना माल काटते चले जा रहे हैं। दूसरी ओर निकट में कोई काली मिर्च की फसल नहीं आने वाली है। कोचीन लाइन में आज की तारीख में माल मंगवाने पर पड़ते में नहीं पड़ रहा है। पुराना स्टॉक लगभग सभी समाप्ति की ओर है। अब नवरात्रि, दशहरा व दिवाली की खपत भी तेज रहने की उम्मीद है और वियतनाम से भी लोडिंग कम हो रही है। फसल जो कोची काली मिर्च की फसल कोचीन, शिमोगा, कुर्ग आदि उत्पादक क्षेत्रों में चल रही है, उसमें दाने की क्वालिटी के साथ साथ उत्पादकता में भी कमी बताई जा रही है, जिसके चलते सकल उत्पादन प्रभावित हो रहा है। वास्तविकता यह है कि काली मिर्च का पुराना स्टॉक बहुत कम बचा हुआ है, यानी कैरी फॉरवर्ड स्टॉक बहुत कम है। दूसरी ओर अन्य देशों की तुलना में भारतीय काली मिर्च के भाव नीचे चल रहे हैं, जिससे बाज़ार के अंदर काली मिर्च में अब अच्छी तेज़ी की संभावनाएं नवंबर महीने में बन सकती है। अतः काली मिर्च के व्यापारी विशेष ख्याल रखें। दोस्तों काली मिर्च, इलायची, जीरा, धनिया, लाल मिर्च मसालों के ऊपर देश का पहला चैनल है जो आपको अग्रिम विश्लेषण देने का साहस करता है। याद कीजिए साल 2021 में हमने जीरे एवं धनिए में कहा था कि साल 2022 मसालों का ईयर रहेगा। शानदार तेज़ी दर्ज हुई। लाल मिर्च के अंदर भी हमारा अनुमान बिल्कुल सही साबित होता देखा गया। स्पाइसेज यानी मसालों के स्टॉकिस्ट, बड़े व्यापारी और मिल्स अग्रिम विश्लेषण के लिए संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों याद रखना, तेज़ी आने के बाद तेज़ी और मंदी आने के बाद मंदी के 50 कारण गिनाने से कोई फ़ायदा नहीं है। विश्लेषण वो है जो आपको अग्रिम विश्लेषण देता है। आप हमारे सोयाबीन, सरसों, गेहूं, जीरा, धनिया एवं कपास के ज़बरदस्त विश्लेषण, अग्रिम विश्लेषण देख चुके हैं। तो दोस्तों यदि आप मसाले का ट्रेड करते हैं तो हमारी विशेष रिपोर्ट आपके लिए अच्छी साबित हो सकती है। नंबर स्क्रीन पर दिए गए हैं, संपर्क कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग। दोस्तों नमस्कार। फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी हमेशा से ही चमत्कृत रिजल्ट देने में मशहूर रही है। अमेरिकन फेमस इन्वेस्टर सर जेपी मॉर्गन ने तो यहाँ तक कह दिया, एस्ट्रोलॉजी इज़ नॉट फॉर मिलियनर्स बट
इट इज़ फॉर बिलियनर्स। दोस्तों, भारतीय सिस्टम और इंडियन सिस्टम ऑफ एनालिसिस जो यानी फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी, इसकी ऑनलाइन क्लासेज हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं पिछले लगभग 22 सालों से। इस रहस्यमय विद्या जो कि पहले के ज़माने में रिश्तेदार अपने बिल्कुल नज़दीक रिश्तेदार से भी छुपा के रखता था, और यही वजह रही कि इसके ऊपर रिसर्च बहुत कम हो पाई, लेकिन पिछले 25 सालों से हम लगातार इसमें प्रयासरत रहे हैं। मोतियों को जोड़ के एक माला बना दी है हमने, और ऑनलाइन फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी ऑनलाइन कोर्सेज शुरू कर रखे हैं। इसमें कमोडिटी मार्केट, एग्रो कमोडिटीज़, बुलियन, मेटल, क्रूड ऑयल, स्टॉक मार्केट, करेंसी मार्केट, इन सभी का विश्लेषण बहुत सटीकता से करना संभव है, और हम लगातार इसका लाइव एग्जाम्पल अपने चैनल पर दे रहे हैं, चाहे वो कॉटन सीड हो, कॉटन हो, क्रूड ऑयल हो, स्टील हो, कोल हो, पॉलीमर्स हो, निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, इन सभी पर विशेष अग्रिम रिसर्च, एडवांस मूवमेंट, इसका क्या हो सकता है, मानसून हो, ये संभव है, और बहुत सटीकता से इसे हजारों हजार लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप भी सीख सकते हैं, घर बैठे सीख सकते हैं ऑनलाइन लाइव क्लासेस के जरिए। सैटरडे संडे क्लासेस हैं, आप चाहें तो आप संपर्क कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पे है। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक।